जो भी होता है ना उसमें बेहतरी होती है ना। क्यों आई हो तुम लोग यहाँ? हाँ, आग लगाकर तमाशा देखने? शायद तुम जैसी ही औरतें होती हैं कि जो शौहर के गुनाह को तो बर्दाश्त कर लेती है लेकिन निकाह बर्दाश्त नहीं करती। मुझे तलाक चाहिए। अगर मैं नेक बख्त होती तो इस तरह तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बर्बाद ना करती। मैं सुना नहीं तुमने, मैं तुमसे कुछ मांग रही हूं। से भाग भाग रही हूं लोग, जो मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। अंगारे तो मेरे वजूद में पहले ही भर दिए तुमने। एक घर के होते हुए दूसरा घर बसा लिया और मेरे साथ झूठ मूठ मोहब्बत के दावे करते रहे तुम। सारी जिंदगी लोगों से छुपाता रहता है, दुनिया से छुपाता रहता है। क्यों? तुमने क्या किया? तुम क्यों शर्मिंदा होते हो? शर्मिंदा इंसान अपनी गलती पर होता है, अपने गुनाह पर होता है। तो तुम मान रहे हो ना कि तुमने गलती की है, गुनाह किया तुमने? नहीं, मैंने गुनाह नहीं किया। हाँ, गलती जरूर की है। अपनी बेटियों को, अपने खून को इस घर में लाने की गलती। तो ले जाओ अपनी बेटियों को यहाँ से, निकाल दो उन्हें, मेरी नजरों से दूर कर दो। तुम अपनी बेटियों को इस घर से निकाल सकती हो? मेरे होते हुए तुम किसी और के हो गए, मतलब तुम मेरे बगैर रह सकते हो और अब मैं भी तुम्हारे बगैर रहने की आदत डालूंगी। सुना तुमने? गुड्डो, गुड्डो, सो जा साइमा बाजी। गम ना करो, मंगनियां तो टूटती रहती है। सच कहा तुमने, मंगनियां तो टूटती रहती, मगर गम कैसे ना करो। हर मंगनी के साथ दिल भी तो टूटता है हम लड़कियों का। तो काम ही है टूटते रहना। देखिए भाई, इन दोनों बहनों ने मुझसे मेरी खुशियां छीनी, मैं इन्हें सुकून से जीने नहीं दूंगी। इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी मैं। छोड़ो ना सामाबाजी, लाना भेजो। भेजूंगी, जरूर भेजूंगी। मैं इनकी जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगी।
तुम्हारी यही बहन है। सो जाओ। तुम सो जाओ। नाश्ता तो कर लो यार। क्या नाश्ता कर लो यार, जग्गू दादा की जान पे बनी है और तुझे नाश्ते की पड़ी हुई। जाने की क्या बात है, गई होगी किसी रिश्तेदार के घर पे। नहीं है कोई रिश्तेदार उसका, एक बूढ़ा आता जाता रहता उसके घर पे। महल्ले वालों ने बताया वो भी उसके अब्बा का दोस्त है, कोई नहीं है रिश्तेदार। तू उसी बुढ़े के घर गई होगी ना, अपने अब्बा के दोस्त के घर। अम्मी नाश्ता कर लीजिए। अम्मा प्लीज कुछ खा लीजिए, दो दिन हो गए आपने सही से कुछ भी नहीं खाया। इस तरह भूखी रहेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी आप। साइमा आप तुम भी नाश्ता कर लो। अम्मी मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? मैं ऑफिस जा रही हूँ। जॉब करती हो? जी मैं एक फर्म में काम करती हूँ, शकीला भी काम करती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, जाओ। अम्मी जब तक हमारी माँ जिंदा थी जाने से पहले हमारे सर पर हाथ फेर दिया करती थी, और खैरियत से आने की दुआ दे दिया करती थी। आप जॉब ही करती हो या फिर इधर उधर घूमती रहती हो? शाहिला तुम जाओ, खैर से जाओ, खैर से आओ। इसकी बकवास पे बिल्कुल कान मत धरना। थैंक यू। क्या जरूरत थी ये बकवास करने की, जबान बंद नहीं रख सकती तुम? बाजी तुम तो मेरे मुंह मत ही लगो, मैं पहले ही बहुत गुस्से में। शकीला
चल भाई पवे, तो भाई जग्गू दादा का काम तो हो गया, क्या बात है? अबे ये जो है ना, ये तेरी भाभी की साली है। तो भाभी की बहन से क्या ताल्लुक? रहा ना तू पौंगे का पौंगा ही। देख, ये तेरी भाभी की साली, इसका मतलब है कि ये उसी घर में रहती है जहाँ पे, इसी महल्ले में, समझ में आया? सही है, लेकिन मेरा मतलब है अब क्या प्रोग्राम है? ओ प्रोग्राम, प्रोग्राम ही प्रोग्राम, तो बस काम कर, काम धंधे की तैयारी कर, जा। हेलो, सलमान इंटरप्राइजेस। जी सर, कौन बात करेंगे? राइट सर, होल्ड कीजिएगा प्लीज। यस सर, कोई मजीद साहब बात करेंगे आपसे। ठीक है, आप लाइन कनेक्ट करें और आप मेरे कमरे में आएंगे। जी बात कीजिएगा प्लीज। May I come in, sir? Yes. मजीद साहब, आप मुझे इसकी फिजिबिलिटी बनाकर ईमेल कर दें, मैं देखता हूँ, अगर तो मुझे कोई चीज समझ में आई तो फिर डेफिनेटली हम आज रात मीटिंग पे मिलते हैं। जी जी। शेफ रखिए। जी मजीद साहब, नहीं आप मुझे ईमेल करें, मैं फिर देखता हूँ ना क्या सिचुएशन बनती है। जी बाय बाय। आपने लंच तो नहीं किया होगा? सर लेकिन वो मैं तो यहीं पे करेंगे या बाहर चले? सर आप समझ नहीं रहे हैं, एक्चुअली मैं देखिए मिशाइला, ये बात आप मुझे बीसीओ मत बता दो। आई थिंक इट्स नॉट बहुत, आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हैं और आपने सर लंच नहीं किया? नो सर, नहीं कर सकती। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं और थैंक यू सर, अब मैं जाऊँ? यस श्योर। और लंच के बाद मजीद साहब की ईमेल आएगी, उसका प्रिंट आउट निकाल दीजिएगा मुझे। राइट सर, थैंक यू। साहिबा, अम्मी सो रही हैं, उठें तो बता देना कि मैं ट्यूशन पढ़ाने गई हूँ। शकीरा जी, मैं बाहर जा रही थी, तुम्हें कुछ चाहिए था? नहीं हया बाजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाहिए तो बता दो। जी मैं ज़रूर बता दूँगी, शुक्रिया। राहिला तो बाहर गई भी, तुमने कहीं नहीं जाना था घूमने फिरने के लिए? साइमा बाजी, मुझे पता है आप बहुत अच्छी। जुबान बंद, ज्यादा बातें करने की जरूरत है, और तुम कोशिश किया करो कि कमरे में रहो, मेरे सामने मत आया करो, मैं देखती हूँ तो मेरा खून खोलने लगता है। जी सर। हेलो, मिशाइला आप मेरे ऑफिस में आइए जरा। लेकिन सर अब तो ऑफिस टाइम खत्म होने वाला है,
I mean, मैं जाने वाली हूँ। हाँ, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, आप ऑफिस में। ओके। बॉक्स में से कलर बाहर क्यों गया? गलत है ना, आपको मैंने कितनी प्रैक्टिस कराई थी। बट वाओ, 10 में से 8। टीचर, आपको पता है मुझे उर्दू की कॉपी में 100 में से 92 मार्क्स मिले हैं। अरे वाह, जल्दी से कॉपी दिखाइए। तुम अपनी आवाज तो हल्की रखो, इतना चिल्ला क्यों रही हो? मैं अपनी आवाज हल्की क्यों रखूं? मैं कोई गिरी पड़ी औरत हूँ? बताते क्यों नहीं और परफ्यूम किसने दिया है? अरे तुम्हें बता चुका हूँ कि ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं तुम जैसे मर्दों को अच्छी तरह जानती हूँ, मुझे सब पता है तुम जैसे अय्याश बिजनेसमैन क्या क्या गुल खिलाते हैं, सब जानती हूँ मैं। गॉड सेक, आहिस्ता बोलो, घर में मुलाजिम है, वो मुस्कान को पढ़ाने के लिए उसकी ट्यूटर आई हुई है, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं समझू तुम क्यों नहीं समझते हो? तुम्हें किसी चीज की परवाह है? जो दिल में आता है करते फिरते हो, जो जी में आता है करते हो। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतना चिल्ला रही हो? चिल्ला मैं नहीं रही हूँ, चिल्ला तुम रहे हो। आखिर बताते क्यों नहीं हो कि ये परफ्यूम कहाँ से आया है? किस औरत ने तुम्हें ये दिया है? किसके साथ वक्त गुजारते हो तुम? ओह माय गॉड, तुम पागल हो गई हो। पागल मैं नहीं, पागल तुम हो गए हो। एक बात कान खोल कर सुन लो रियाजत बेग, मैं कोई गिरी पड़ी औरत नहीं हूँ, मुझे कमजोर मत समझना। अगर तुम कमजोर समझ के मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हो तो मैं दबने वालों में से नहीं हूँ, समझे तुम? तुम्हें अंदर करवा दूंगी मैं, एनजीओ चलाती हूँ, एक इशारे पे पूरा मीडिया यहाँ पर आ जाएगा, तुम्हारी रही सही इज्जत खाक में मिल जाएगी, समझे तुम? देखो अगर तुम चुप नहीं हो ना तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करूंगा। मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते तुम, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो और मैं भी, समझे तुम? चीची देखे, सलाद सूख गया। चीची देखे ना, मुझे कितना स्टार मिले। तुम चुप करो। अच्छा, जब मैं बोल रही हूँ करो ना, तो तुम दोनों की आवाज नहीं आनी चाहिए, समझी तुम? क्या कह रही हैं आप? बजाय इसके कि आप उन लोगों को घर से निकाले, आप अपना घर छोड़कर जाएंगे। Dos, tres.
4.